कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेत्री जूही श्रीदेवी और हेमा मालिनी को बड़े पर्दे पर दर्शक देखना काफी पसंद करते हैं। इन तीनों ही अभिनेत्रियों ने अपने शानदार अभिनय और अपनी दिलकश अदाओं से लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है। तीनों ही अभिनेत्रियों को बॉलीवुड में खूब प्यार मिला है। हालांकि जब हमारे बीच श्रीदेवी नहीं है, अभिनेत्री जूही श्रीदेवी और हेमा मालिनी के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। तीनों अक्सर साथ ही रहा करते थे। तीनों सुख और दुख के समय एक दूसरे का अक्सर साथ भी दिया करते थे। तीनों की दोस्ती बॉलीवुड में काफ़ी मशहूर है, लेकिन श्रीदेवी के अचानक निधन से बॉलीवुड को गहरा सदमा पहुंचा और फैंस भी उनके निधन से काफ़ी टूट गए। बहुत कम लोग जानते हैं कि मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर, हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल और अभिनेत्री जूही चावला की बेटी जाह्नवी, इस बीच एक खास कनेक्शन रहा है। चलिए जानते हैं कि कनेक्शन कैसा है। जब श्रीदेवी का निधन हो गया था, तब कई कलाकारों ने उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से भी श्रद्धांजलि दी थी। इसी दौरान अभिनेत्री जूही चावला ने भी श्रीदेवी को याद किया था। इस वक्त जूही चावला ने श्रीदेवी की बेटी से जुड़ा एक खुलासा भी किया था। जूही चावला ने कहा था कि उन्होंने श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर की तरह अपनी बेटी का नाम भी जाह्नवी ही रखा है। उन्होंने जब अपनी बेटी का नाम जाह्नवी रखा था तो इस बात की जानकारी सबसे पहले उन्होंने श्रीदेवी को ही दी थी, जिसे सुनने के बाद श्रीदेवी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। हेमा मालिनी ने भी इस बात का खुलासा किया। वो जब हेमा मालिनी अपनी बेटी को करियर के लेकर परेशान थी, तो उस दौरान उन्होंने श्रीदेवी को कहा था। श्रीदेवी के पति ने उनकी सहायता की और हेमा मालिनी की बेटी को बोनी कपूर और श्रीदेवी के होम प्रोडक्शन के माध्यम से लॉन्चिंग की गई थी। हेमा मालिनी ने इस बात का खुलासा भी किया था कि जब ईशा देओल की लॉन्चिंग हो रही थी तो उस दौरान श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी। उस दौरान उनके कोख में उनकी छोटी बेटी थी, जिसके बाद वह अक्सर ईशा देओल से मिलने सेट पर जाया करती थी। इसी कारण इन तीनों अभिनेत्री एक दूसरे से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो ये कहानी आपको कैसे लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।